हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, क्या वो अपना कर्मा फेस करेंगे, और करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, और उसकी सूरत में डिवाइन ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रखी हैं। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पार्ट वन इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट टू से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम जब अल्लाह ताला से तिजारत करते हैं, वो मल्टीप्लाई हो के हमारे तरफ 100 गुना बढ़ के आती है। अब अगर हम अच्छे कर्मा करेंगे तो अच्छे रिवॉर्ड्स और रिवॉर्ड्स हमारी तरफ आएंगे, और अगर हम बुरा कर्मा करेंगे तो बुरे रिवॉर्ड्स हमारी तरफ आएंगे। लेकिन जो ब्लेसिंग्स, जो अबंडेंस मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, उसमें ये आपके सब्र का, आपके पेशेंस का फल है, जो कि आपको अवार्ड और रिवॉर्ड की सूरत में दिया जा रहा है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपने आपकी लाइफ में ऐसा क्या कुछ हुआ है और जिसको आप नहीं देख पाए, और डिवाइन ने उसकी ब्लेसिंग्स की सूरत में आपके लिए ये अवार्ड और रिवॉर्ड रखा है। पार्ट टू से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। पहले हम रीजंस चेक करेंगे, फिर हम कर्मास चेक करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माई व्यूवर्स। किस सूरत में ये ब्लेसिंग्स, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहे हैं, वो कौन से रीजंस थे। द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके जी। लियो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पर अगर मैं देखूं, फाइव ऑफ वॉन्स बॉटम डेक की एनर्जी है, फाइव ऑफ वॉन्स। अभी आपके अपने अंदर एक जंग जारी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बातों पे अभी तक आपको सब्र नहीं आया है, कुछ मामलात ऐसे हैं जिसका अवार्ड और रिवॉर्ड आपको नहीं मिल पाया। इम्पेशेंस एनर्जीज हो रही हैं आपका, कि जल्दी से मुझे पता चल जाए या जल्दी से सामने वाले के साथ कुछ ऐसा हो जाए। अगर मैं देखूं कि वो कौन से रीजंस थे, आपका सोशल मीडिया के थ्रू किसी से इंटरेक्शन हुआ, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, आपने बिना सोचे समझे आगे की तरफ कदम बढ़ाया। ऑल दो आप बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन थे, इस पर्सन ने सेंस कर लिया था कि आपका पूरा फोकस आपका काम है, आप जो भी काम करते हैं बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, बहुत फोकस के साथ करते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ करते हैं। आप लोगों का जब इंटरेक्शन हुआ, आपको नहीं पता, कम्युनिकेशन होना शुरू हुई, आपको नहीं पता था कि मैं किस तरफ आगे कदम बढ़ा रहा हूँ या किस तरफ कदम बढ़ा रही हूँ, बस आप आंखें बंद की और आप चल पड़े। एक इनलाइटमेंट आपको नज़र आई, आपको ऐसा लगता था कि अभी तक ज़िंदगी के जितने मेरे मामलात हैं वो ठहर जाएंगे, वो थम जाएंगे, मेरी लाइफ के अंदर बैलेंस आ जाएगा। आपको नहीं पता था कि आपकी सिचुएशन आगे बढ़ते बढ़ते विश फुलफिलमेंट में बदल जाएगी।
कि अगर तो ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे तो मेरी तमाम ख्वाहिशात ऐसा लगेगा कि पूरी हो गई हैं। विद द टू ऑफ कप्स कार्ड एक सोलमेट कनेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ गए और आपको नहीं पता था कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है या किस तरफ नहीं जा रहा। ये तो है रीज़न कि आपके साथ पास्ट में ये हुआ। अब आगे मज़ीद इसको मैं क्लैरिफाई करूं, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों आया है। आई थिंक कि जब आपका इस इंसान से इंटरेक्शन हुआ, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए था। आपकी लाइफ में एक उथल पुथल मची हुई थी, आपको पाथवे समझ में नहीं आ रहा था, अपनी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही थी, या आपको ये नहीं था कि ये रिलेशनशिप आपका एक सोलमेट पार्टनर है। आप इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में आना ही आना था। द फूल का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द टावर, ओके जी, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, अगेन बॉटम डेक में एनर्जी आ रही है एट ऑफ कप्स की। आपने लिटरली तमाम चीज़ों से वॉक अवे किया है। विद द सेवन ऑफ कप्स आपने इस रिलेशनशिप को एज ए ऑप्शन अपनी लाइफ में लिया। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो गया था, आपको बातचीत करना अच्छा लगती थी, ऐसा लगता था कि आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव महसूस हो, ठहराव आ गया, एक ठहराव सा महसूस किया। विद द चैरियट कार्ड आप उस रिलेशनशिप की सच्चाई को नहीं देख सके। आप बहुत दूर दूर से इस रिलेशनशिप को देख रहे थे, बट आपकी आंखें कहाँ खुली? जब इस रिश्ते की फाउंडेशन टूटी। विद द टावर मोमेंट कार्ड, ये रिश्ता एक फ्रेंड जोन से शुरू होके आगे कमिटमेंट तक चला गया, जो कि आपने जितनी एफर्ट्स की अपनी साइड से, जितना सब कुछ किया एक हिम्मत के साथ, एक लॉइंग की पर्सनैलिटी के साथ, आप इस रिलेशनशिप पे फोकस्ड रहे। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। या तो आप किसी एक रिलेशनशिप में से निकल के दूसरे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ गए बिना सोचे समझे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी। वहाँ पे टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, आपने फूल की एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग शुरू की, और उसके बाद फिर आपने आपका ये रिलेशनशिप कब फ्रेंड जोन से बढ़ के कमिटमेंट की तरफ चला जाएगा आपको कुछ आइडिया नहीं था, बट आपकी आंखें वहाँ खुली जब यहाँ इस रिलेशनशिप के अंदर भी टावर मोमेंट आया। यानी कि जिस इंसान के लिए आप इतनी स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे, उस इंसान ने आपको डिच किया। आपकी हिम्मत, आपकी एफर्ट्स इस तरीके से जिसे कहते हैं गड्ढे में डाल दी गई कि आपने कुछ नहीं किया, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। रीडिंग इतनी एक्सटेंड हो जाएगी, मुझे आइडिया नहीं था, बट और मैं देखती हूँ कि और मज़ीद इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है। क्रिएटिविटी, द मास्टर, द माइजर, ओके। आपने जिस इंसान से डील किया, इसने शायद, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, इस इंसान ने आपको हिम्मत दी, हौसला दिया, इसने आपके दिमाग की बत्तियों को रोशन किया। ये एक टीचर, एक एडवाइज़र आपकी लाइफ के अंदर आया और आपको नहीं पता था कि अपनी चीज़ों पे ये इंसान ऐसा है कि अपनी फाइनेंसेस, अपनी लेगेसी को इस तरीके से वो बचा के रखेगा और टोटली आपका मिसयूज़ करेगा वो। ये पार्ट टू था, इसको पार्ट थ्री से हम कनेक्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी कि रीडिंग इतनी एक्सटेंड हो गई, बाकी कोऑर्डिनेट करते हैं आपसे पार्ट थ्री में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।